हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 12th मई और है थर्सडे। आज हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक शिक्षा को स्थिति को बढ़ाना है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साल 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,259,765 है। प्रदेश की साक्षरता 70.6% है, जो कि जबलपुर में सर्वाधिक 82.5% है। राज्य में पुरुष साक्षरता 80.5%, महिला साक्षरता 60% है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जो 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का चिव को हाल ही में किस देश का अगला नेता चुना गया है? तो इसका आंसर है हांगकांग का। पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का चिव को हाल ही में हांगकांग का अगला नेता चुना गया है। उन्होंने 2019 में वह सुरक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे जब पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई शुरुआत की। तो अब देख लेते हैं हांगकांग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हांगकांग दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है, जिसमें कुल आबादी लगभग 7.5 मिलियन है, जिसमें 426 वर्ग मील की आबादी है। हांगकांग के झंडे में एक सुंदर 5 पंखुड़ी वाला हांगकांग आर्किड ट्री फूल रंग लाल रंग की पृष्ठभूमि के साथ है। चीनी संस्कृति में रंग लाल के महत्व का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 12 मई को क्या मनाया गया है? 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है विश्वभर में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1974 जनवरी से हुई थी। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल्स को समर्पित है। उनकी याद में ही 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं नर्स दिवस को लेकर। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1974 जनवरी से हुई थी। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल को समर्पित है। उनकी याद में 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन शुरुआत में जनवरी और बाद में मई में नर्स दिवस मनाने के पीछे की वजह और फ्लोरेंस नाइटिंगल का इस दिन से संबंध के बारे में जानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू सुक योल ने हाल ही में किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया के। यू कू योल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पूर्ण निर्माण का संकल्प लिया है। अब दक्षिण कोरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। 51 मिलियन से अधिक की आबादी वाला यह देश आबादी के आधार पर दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश। इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट किसके, साउथ कोरिया के। दक्षिण कोरिया का कुल क्षेत्रफल 38,690 वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने संतूर को एक शास्त्रीय दर्जा दिया और इसे अन्य पारंपरिक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों जैसे सितार और सरोद के साथ ऊंचा किया। अब
पद्म विभूषण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देसवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है गोल्ड मेडल। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देसवाल ने देश के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। शूट ऑफ में गोल्ड मेडल जीतने से पहले वह सिल्वर मेडल जीतने वाले यूक्रेनियन ओलेक्सी लेजेम्बिनिक के साथ बरकरारी पर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJJBY, PMSBI और अटल पेंशन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका आंसर है 7 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को हाल ही में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन योजनाओं की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में की गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार शर्मा को हाल ही में किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार शर्मा को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। वे इससे पूर्व कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव एवं सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।